अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप 3D लुमिया उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने पास 3D लुमिया में रहते हुए बर्ड को कैसे फ्लाई कराते हो, यानी कि आपके पास कोई परिंदा है, आप ये चाह रहे हो कि आपने जो अपने पास एक सीन क्रिएट किया है उसके अंदर परिंदे भी होने चाहिए और फ्लाई बकायदा तौर पे हवा पे लाइक दिस कहां करते हुए ऊपर उड़ने चाहिए। तो अब वो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीकेकार है। बेसिकली लुमिया के अंदर हर चीज बनी बनाई होती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी रेडी होता है, बना बनाया होता है। अब अगर यही काम आपको मैक्स के अंदर करना पड़े या दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, आपको पाथ वगैरह फिर ऐसी चीजें बहुत कुछ चीजों के बाद जाकर तो एक थोड़ा सा फ्लाई होता है। लेकिन लुमिया के अंदर जस्ट उसका स्पेशल मेथड होता है, उस मेथड के थ्रू जस्ट आपने क्लिक करना होता है, क्लिक किया तो वो ऑब्जेक्ट आपका रेडी हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लुमिया, मेरे अपने पास लुमिया ओपन कर लिया है, इसके लिए मैं एक प्यारा सा सीन ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई सीन ऐसे बनाऊंगा कि अपने पास एक दो दरख्त लगा लेता हूँ, क्योंकि आपके पास जो मैंने आपको मेन चीज बतानी है बर्ड्स की हाइट बतानी है। जब हम बर्ड्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल जमीन पे होते हैं, ठीक है, फिर हम उसको कोई खास स्पेशल हाइट दे देते हैं। लाइक हमारा घर होगा, हम उसके ऊपर मिडल जो आप उसको हाइट प्रोवाइड करेंगे उस प्रोवाइड के मुताबिक वो अपने पास मूविंग के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास सीन रेडी कर लेता हूँ कुछ, मैं इस तरफ आके, ठीक है, मैं यहाँ इस एरिए पे कुछ पौधे लगाना है, दरख्त लगा लेता हूँ। डबल क्लिक मैंने किया तो मुझको आगे तरफ ये लेके चला गया, ठीक है, और बस नीचे थोड़ा सा बैक आ जाए ये, ठीक है, जहां से आपको दरख्त नजर आ जाएंगे आपके अपने, आप इधर आ जाए यहाँ पर और ऑब्जेक्ट्स इधर चले जाए। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद आप ट्रीज के ऊपर जाएंगे और कोई भी ट्रीज अपने पास दो तीन ले लें, ट्रीज को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे मैं ट्रीज लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक ट्री यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूंगा, देखिए पानी के पास ये एरिया है वो, जब मैंने एक ट्री लगा दिया, ओके, देन एक ट्री मैं इधर ऊपर लगाना चाहूंगा यहाँ, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए दो ट्रीज ही बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने मुख्तलिफ जगह पर बर्ड्स लगा देने हैं। कैसे लगाऊंगा, आप बर्ड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी पीपल एंड एनिमेशन में चले जाएंगे, एनिमल पे चले जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक कर दें इधर और बर्ड के ऊपर चले जाएं, तो आपके पास ये रहा फ्लाइंग बर्ड, ये है यहाँ पे है, इनमें से जो आपको चाहिए, लाइक मुझको ये चाहिए, मैंने क्लिक किया इसे, क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या होता है कि आप देखें यहाँ पर आपके पास आपका एरो यहाँ पे बन रहा है लेकिन बॉक्स इधर पीछे बन रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने माइंड के अंदर रखनी है। मैंने क्लिक किया, ठीक है, मुझे इधर चाहिए था और वापस आगे आ जाए, तो दूसरा मुझे यहाँ पे चाहिए ये, ठीक है जी, और वापस इधर आ जाए, तीसरा आपको इस एरिए पे चाहिए ये, और एक और आगे की तरफ इधर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने अपने पास यहाँ पर मुख्तलिफ क्लिक किए और मेरे पास मुख्तलिफ बर्ड्स आ चुके हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा, एक तो ये देखें आपके बिल्कुल सामने से ये गुजर रहा है, ठीक है जी, और बाकी भी देखें दाएं बाएं हैं, लेकिन आप क्या करें यहाँ पे आ जाएं इधर इसके कंटेंट मेन्यू पे आ जाएं। जैसे आप कंटेंट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आपके पास ये तीन बर्ड प्लेस हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों को अगर देखा जाए, कैमरा वर्क यूज करें आप, यानी कि कैमरा के कंट्रोल्स को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये नीचे आ गया, ई प्रेस करने से नीचे आ जाएगा। इसके लिए आपको तमाम बेसिक लेसन देखने पड़ेंगे कैमरा को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आए, अब आप चले जाएंगे कंटेंट मेन्यू में बर्ड्स के और ये आपके पास कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपने करना क्या है, शिफ्ट और कंट्रोल को सिलेक्ट करते हुए जस्ट आप जो जितने भी आके बर्ड्स हैं, एक बर्ड ये, दूसरा बर्ड आ गया आपके पास और ये आपके पास आपका तीसरा बर्ड आ चुका है, ठीक है। इन तीनों को आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आप चूज करेंगे चेंज हाइट, आप इधर क्लिक कर देंगे, अपने कीबोर्ड से एच प्रेस कर दें और किसी इधर एक के ऊपर आके क्लिक करें और आपके पास ये जब अप कैरो बने तो इसको ऊपर की तरफ लेके चले जाएं। अब ये हाइट आप तक है, डियर स्टूडेंट्स, हाइट से मुराद क्या है, आपने ये देखना होगा जहां पर ये आप ला रहे हैं बर्ड्स
उस प्रोजेक्ट की हाइट कितनी है, यानी कि वो आपके पास जो घर है उनकी आप कितनी हाइट की ऊपर या कहाँ पे आप लेकर जाना चाह रहे हैं, तो मैं उसको इतनी हाइट रखना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये आगे, और कैमरा वर्क थोड़ा सा इस तरफ भी कर लेता हूँ, ये रहा। अब देखिए, एक बट इधर है, एक इधर है, जैसे स्केप करेंगे तो ये मूविंग पे लग जाएंगे। मैंने स्केप प्रेस किया, ठीक है, अब ये मेरे पास बर्ड मूव कर रहे हैं। देखें यहाँ पे आपको बकायदा तौर पे बिल्कुल आपके सामने से कोई बर्ड गुजरेगा थोड़ी देर में, बकायदा तौर पे आपको नीचे इसका शेड नजर आ रहा है, ये पूरा आपके पास बर्डिंग मूव हो रहा है। यहाँ पे देखें ये बर्ड्स आपके पास मूव हो रहे हैं लाइक दिस, ये ठीक है। तो ये तो मैंने दो बर्ड्स डाले हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर बर्ड लाए, उनको आप इधर से मूव करवा दें। ठीक है, इसी तरह से इनकेस अगर आप अपने पास कोई वाटर के लिए कोई बर्ड वगैरह डालना चाहते हो तो वो आप कैसे डाल सकते हैं, जैसे बत्तख वगैरह हो गई, इस तरह की वगैरह, तो वो भी आपके पास यहाँ पर लुमिया के अंदर अवेलेबल हैं। तो वो मैं कैसे दूंगा, आप इधर आ जाएं, मैं चला जाता हूँ अगेन इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही, और बिल्कुल यहाँ भी मौजूद है, ये आपके पास आ गई लाइक दिस, ये उन्हें ले लिया। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, एक स्पेशल तरीका है, जब वो यूज किया जाए एक ही मरतबा आपके पास 10-12 आ जाते हैं लाइक दिस, जैसे कि मैंने अभी इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास 10-12 यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर ऐसे आ जाते हैं बतख बने हुए। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा लेसन से बताऊंगा कैसे आप करेंगे उसको। तो ये आपके पास आ गया बतख यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आपने फिशिंग यहाँ पे डालनी है, आप ये चाहते हैं कि ठीक है ये तो हो गया, आपके पास फिशिंग जो आपने जो फिश रखी हुई है वो भी इसके अंदर आपको नजर आनी चाहिए, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर फिश भी होनी चाहिए थी, तो उसके लिए वापस आपको क्या करना है, टॉप पे थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, ये रहा, और कैमरा वर्क करते हुए मैं इसको इस एरिया पे लाता हूँ, मुझे कहता हूँ इस एरिया मुझे फिश चाहिए होगी, तो वापस आप इधर ही चले जाएं यहाँ पे और फिश को एक्टिव कर लें। मुख्तलिफ किस्म के आपके पास फिश है, आप फिश लें, ठीक है, और जहां पर आप लगाना चाह रहे हैं वहां पर आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये मेरी फिश इधर दिखाई दे रही है। ओके, और वापस मैं इसको इधर क्लिक कर देता हूँ, तो मुख्तलिफ फिश के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इस टाइम पे दिस वन, तो ये आपकी फिशिंग भी आ चुकी है। लेकिन अब फिश क्या है, डेफिनेटली ये पानी से भी ऊपर है, आपको इनको पानी के साथ सतह के साथ लेके जाना है, तो आप कंटेंट मेन्यू में जाएंगे अगेन, यहाँ से ये आपका कंटेंट मेन्यू है, कंटेंट मेन्यू में गए तो ये जो फिश है आपके पास, ठीक है, जितनी भी फिश है, शिफ्ट और कंट्रोल को सेलेक्ट करते हुए इन तमाम फिश को आप सेलेक्ट कर दें। ठीक है, जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपने करना क्या है, हाइट चेंज की में आ जाए यहाँ पे, और किसी एक फिश को जिसको आप समझते हैं आपको बेहतर दिखाई दे रही है वहां से पकड़ के इसको नीचे ले जाए, ये अब देखा, ये सारी मैंने पानी के अंदर डाल दी। ठीक है जी, ये आपके पास पानी की तरह आ गई, अब आप उसे स्केप कर दें बेशक, जैसे आप स्केप करेंगे तो ये अपने वर्क पे कंटिन्यू हो जाएंगे। अब आपके पास ये रहा, उसने स्केप कर दिया ने, तो मेरे पास ये एरिया फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखें हर एक फिश अपनी जगह पे मूविंग कर रही है, हर फिश अपनी जगह पे मूव कर रही है, बकायदा तौर पे आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है, सही। तो इस तरह से आप अपने पास फिशिंग कर डालते हो, बर्ड वगैरह को अगर आपको डालना होगा, तो ये इसका तरीकेकार था जो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बताना था। तो हमने इस लेसन के अंदर ये देखा कि हम अपने पास, अच्छा अब देखिए बतख वगैरह भी, ये भी ऊपर हुई है, अगेन आप इधर आ जाएंगे मॉडल पे, ऑब्जेक्ट पे और कंटेंट मेन्यू पे, अब ये एक रहा और शिफ्ट कंट्रोल के थ्रू ये दूसरा, दोनों को आपने सिलेक्शन दे दी, बॉक्स बना के सिलेक्शन दे दें दोनों को। सिलेक्शन देने के बाद आप डाउन की वैल्यू में आएंगे यहाँ से, चेंज हाइट की वैल्यू में, और इनको ऊपर से नीचे आप पानी में लेके चले जाएंगे, ठीक है, जितना आप पानी में इनको लेकर जाना चाह रहे हैं लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि आप अपने पास बर्ड्स को, फिशिंग को और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को आप कैसे मूव करते हैं, कैसे आप उनको एडजस्ट करते हैं, और वो देखिए बिल्कुल आपको रियल इफेक्ट दे रही होती है। तो
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारा लुमिया का ये लेसन खत्म होता है। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मैं नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज अभी कॉल करें 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी एक्सपी अकेडमी से, हमारा फेसबुक का भी आईडी एक्सपी अकेडमी। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे इजाजत दें, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉल करना ना भूलेगा 0343-901-7779 पे। अस्सलाम वालेकुम।